नमस्कार दोस्तों, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तिल राई के समान हमारे शरीर पर उभरे हुए कुछ निशान होते हैं जो कि कुछ व्यक्तियों में बाय बर्थ यानी कि जन्म से ही, लेकिन कुछ व्यक्तियों में उम्र के साथ ये उभरते हैं। दोस्तों, तिल जो होते हैं वह काफ़ी हद तक व्यक्ति के व्यक्तित्व और उनके स्वभाव के बारे में बताते हैं। दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जो तिल से संबंधित है, और साथ ही कि वह व्यक्ति किस तरह का विचार या किस तरह का उसका स्वभाव है, ये सभी चीज़ें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिन व्यक्तियों के नाक में तिल होता है उन व्यक्तियों का स्वभाव और व्यक्तित्व किस तरह का होता है। दोस्तों, जिन व्यक्तियों की नाक में तिल होता है उन्हें समझना बहुत ही मुश्किल होता है। उनका क्या विचार है, वो किस तरह से सोचते हैं, यह पता कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। वहीं दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जिनकी बिल्कुल नाक के ठीक बीच में तिल होता है वे व्यक्ति कल्पनाशील होते हैं, यानी कि वे वास्तविक जगत से हटकर कल्पनाओं में जीते हैं और उनका जो नज़रिया होता है वह सोचने का इस तरह का होता है कि वे वास्तविकता से हटकर हमेशा रचनात्मक या काल्पनिक चीज़ों को सोचते रहते हैं। वहीं दोस्तों, जिन व्यक्तियों के नाक में तिल होता है उनकी जो सोच होती है वह रचनात्मक होती है, यानी कि बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। हर चीज़ के अंदर वे एक नई क्रिएटिविटी ढूंढ लेते हैं और साथ ही उनके कार्य करने का तरीका भी बहुत ही रचनात्मक होता है। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।